वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये बैलेंस शीट आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। एज इट इज का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज आपको याद होना चाहिए, और ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप में आपके काम आएगा। मैं जब भी बोलता हूँ पूरी की पूरी पार्टनरशिप, इसका मतलब सारे के सारे चैप्टर्स में काम आएगा। तो कोशिश ये करें एक बार इस पे फोकस करके अच्छी तरह समझ लें, और बाकी जितने भी चैप्टर्स होंगे सब चैप्टर्स में इसको हम कवर कर लेंगे। तो पहले आराम से समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में। पूरी पार्टनरशिप में एज इट इज बैलेंस शीट है। जरा आइटम्स काउंट कर लेते हैं पहले, तो एक एक करके चलते हैं। पहला है जनरल रिजर्व, सेकेंड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, और आगे लिखा है एनी अदर रिजर्व। कॉमन बात क्या है, सबके आगे क्या लिखा हुआ है, रिजर्व लिखा हुआ है। फिर चलते हैं आगे। आपको बैलेंस शीट की एक एक आइटम समझ आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो आप सब बच्चों को मैंने पहले बताया था दोस्तों, रिजर्व होती है एक गुल्लक, और इस गुल्लक में पैसा क्यों रखा जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, गुल्लक में पैसा क्यों रखा जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दीज रिजर्व्स? बेटा इन रिजर्व्स का पर्पस ये होता है फ्यूचर सेफ्टी। अगर फ्यूचर में कभी भी कोई नुकसान होता है तो वो कहां से निकाला जाता है, इन रिजर्व से निकाला जाता है। चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी लिखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों यहां भी लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा बिल्कुल फोकस रखना है एक एक पॉइंट पर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है, इसका मतलब होता है आपके बिजनेस में क्या हुआ है प्रॉफिट। तो हमेशा याद रखना जब भी लायबिलिटी साइड में लिखा होता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर असेट साइड में लिखा होता है तो वो होता है लॉस, यानी बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और यहाँ पे बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और आगे बातें जरा देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है accumulated profits। accumulate का मतलब होता है इकट्ठा करना, profits इकट्ठे करे हुए हैं। फिर लिखा है retained earnings, तो these all are called profits। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे loss है या क्या लिखा है, advertisement expenditure, deferred revenue expenditure। मैंने अभी meaning नहीं बताया आपको, अभी मैं बस आपको accounting treatment समझाऊंगा। अगर ध्यान से देखें दोस्तों, असेट साइड में कितनी आइटम है, असेट साइड में है तीन आइटम्स। ये तीन आइटम्स आपको याद होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां चलते हैं लायबिलिटी साइड में, बताइए कितनी आइटम्स, पहले आराम से मुझे ये बताइए लायबिलिटी साइड में कितनी आइटम्स है बेटा, फटाफट काउंट करेंगे जल्दी जल्दी। यस प्रियादीप का आंसर आ गया बेटा, बाकी सब बच्चे बताइए कितनी आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आइटम्स हैं 8। वेरी गुड याशिका, ईशा गुप्ता। तो ये आपको आइटम्स याद रखनी है, मैं आगे चल के हमेशा ऐसे बात करूंगा, 8 और 3 आइटम, तो आप समझ जाना। इसके अलावा सर और किसी की बात नहीं कर रहा। अब कुछ और बातें आपको समझाता हूँ। आपको पता है ये वाली साइड प्रॉफिट है दोस्तों, रिजर्व्स के अंदर भी पैसा पड़ा होता है, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट्स हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लस। छोटी छोटी बातों पे आराम से टाइम लगाइए, ये सारे प्रॉफिट्स हैं। अगर मैं इधर की बात करूं तो दोस्तों इधर लॉस दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, इसका मतलब सर ये लॉस और एक्सपेंस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। मैंने आराम आराम से आपको छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, और आगे चलते हैं। लायबिलिटी साइड मैंने आपको हमेशा बोला है लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है,
एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। और ऑफ कोर्स असेट साइड क्या होती है? असेट साइड होती है डेबिट। अगर आपको छोटी छोटी बातें याद रहेंगी तो आपकी पूरी पार्टनरशिप के अंदर एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन किस तरह से आएगा। 8 और 3 11 आइटम है। अब मैं जरा इन 11 आइटम्स के बारे में आपसे बात करता हूं। अभी सिर्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको आराम से समझाऊंगा एक एक का मतलब। ये बैलेंस शीट दे रखी है, यहां पे हैं 8 आइटम और यहां पे हैं 3 आइटम। यहां सारे प्रॉफिट्स हैं इसलिए प्लस साइड, यहां पे कौन सी साइड है माइनस साइड, मैंने ये बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये वाली साइड क्या होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। इन तीन बातों को आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में 2 तरह से पेपर में क्वेश्चन आएगा, बस एक केस 1 आपको बस ढूंढना है कि सर हमारे पेपर में क्वेश्चन कौन सा आया है। केस नंबर 2, केस नंबर 1 में लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट। एक एक करके जरा मेरे साथ समझते जाएं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ दो, खत्म कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये वर्ड्स हैं, या तो लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट या क्या लिखा होगा ब्रेक लिखा होगा या क्या लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे। पार्टनर्स, लैंग्वेज पे ध्यान देना। पार्टनर्स, डू नॉट वॉन्ट टू शो इन न्यू बैलेंस शीट। मैं भी आपको एक एक का मतलब भी बताऊंगा। इन तीनों चीजों का एक ही मतलब है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है खत्म करना, बांट देना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। और पार्टनर्स चाहते हैं डू नॉट वॉन्ट टू शो इन न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स चाहते हैं नई बैलेंस शीट में ना आए, इसका मतलब इसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मैं भी आपको बताऊंगा केस नंबर 2 में सब कुछ उल्टा होगा। लिखा होगा नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। मैं आप बच्चों से पूछूंगा क्वेश्चन में कि केस 1 है कि केस 2 है। यहां लिखा होगा नॉट टू ब्रेक, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, तीसरे में क्या लिखा होगा, जरा लैंग्वेज मेरे साथ साथ समझ। पार्टनर्स वॉन्ट टू शो इन न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स चाहते हैं शो करना, न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। इसकी जगह और इसकी जगह ध्यान से देखो क्या क्या बातें और लिखी होती है। यहां लिखा होगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्या लिखा है, पास्ट एन एडजस्टमेंट एंट्री। और यहां लिखा होगा जर्नल एंट्रीज। एक एक वर्ड आराम से जरा समझते चलें। एंट्रीज लिखा होगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि केस 1 है कि केस 2 है। तो पहले तो हम ये देखते हैं सर क्वेश्चंस के अंदर क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसके बाद मैं आपको इनका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा क्या चीज है। तो आइए जरा मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जरा डिस्कस करते हैं और आप भी बच्चे मुझे बताएंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन यहां देखते हैं। बेटा आपने बस इतनी सी बात बतानी है कि सर केस 1 है कि केस 2 है, आइडेंटिफाई करते हैं जरा। आइए मेरे साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। मैं वेट करूंगा आप सब बच्चों का, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करेंगे केस 1 है कि केस 2। एबीसी पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली,
ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:4:5, यानी सर ये है इनकी ओल्ड रेशियो और ये है इनकी न्यू रेशियो। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। बेटा ध्यान से देखो वो क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या कहते हो, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है। वेरी गुड, तो आपको एक एक वर्ड समझ आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, 90,000। आगे चलते हैं, पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टिंग एंट्री। जल्दी से बताइए दोस्तों, केस वन है कि केस टू है, फटाफट, आई एम वेटिंग। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जब क्लास ली थी तो बच्चों को ये नहीं समझ आ पा रहा कि सर केस वन है कि केस टू है। साफ पता लग रहा है नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एडजस्टिंग एंट्री, इसका मतलब कौन सा केस है, केस नंबर टू है। चलिए अभी इस वाले केस को हम सॉल्व करेंगे, ये कौन सा केस है मैं यहां लिख देता हूं, केस नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ये कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5, न्यू रेशियो। They decided to record the effect of the falling without affecting their book values. पहला दिया है profit and loss account credit balance. जल्दी बताओ credit का मतलब profit है या loss है? कैसे पता चलेगा सर ये profit है या loss है? बेटा credit side का मतलब मैंने आपको बताया था, credit side का मतलब होता है profit है। Very good, जपनी दिशा। Advertisement suspense. अब एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, चेक करो क्या हमारे नोट्स में था एडवर्टीजमेंट। बेटा चेक करें क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, यस एक्सपेंस था। नीचे लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, जल्दी से बताएं केस वन है कि केस टू है, एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहे हैं। बेटा फटाफट आइडेंटिफाई करो केस वन है कि केस टू है। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर केस नंबर टू है। तो दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली और आगे चलते हैं, यहां पे आओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब फटाफट चलते हैं जरा, एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 1:2:3, कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द रेशियो 2:3:4, तो ये वाली कौन सी रेशियो हो गई, ये हो गई न्यू रेशियो। ऑन That did profit and loss showed a debit balance. दोस्तों P&L का debit balance क्या मतलब है इसका? Profit and loss का debit balance मतलब asset side. Very good. इसका मतलब P&L का ये क्या है? ये loss है. ये क्या दिया हुआ है? Loss दिया हुआ है. रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द, क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। जल्दी बताएं केस वन है कि केस टू है, फटाफट एवरीवन। दो तीन बच्चे बता रहे हैं मुझे, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, बेटा जल्दी से बताइए ये क्या है, केस वन है। वेरी गुड, और चलते हैं आगे सीधा, अब काम की बात पढ़ो। आप सब बच्चों को समझ आ गया है कि हमें सर सबसे पहले लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ भी कौन सा केस है, केस नंबर वन है। तो इतना तो पता चल गया कि सर पेपर में केस वन है कि केस टू है, कैसे आइडेंटिफाई करें। अब मैं चलता हूं आपके साथ आपकी बुक पर, बेटा बुक पे चलते हैं जरा, आइडेंटिफिकेशन यहां भी करेंगे। आइए जरा मेरे साथ, पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 पे
और मैं जरा इसको जूम कर देता हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 4.42, पेज नंबर है 4.42, और इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर 19, आराम से देखते हैं। यहां लिखा है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, नीचे लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हो बेटा? केस वन है, केस टू है, जल्दी से बताइए। केस वन है, केस टू है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही होता है केस टू है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप बच्चों को दिख रहा है प्रॉपरली, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000। बेटा जनरल रिजर्व है 60,000। केस नंबर वन पढ़ते हैं, जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। जल्दी से बताइए बेटा याशिका, फटाफट रिप्लाई करो बाकी सारे बच्चे। जनरल रिजर्व को आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, नॉट टू बी शोन। मैंने आपको लिखवाया भी था, यहां पे देखिए, नॉट टू बी शोन। वेरी गुड बेटा, नॉट टू बी शोन का मतलब होता है केस नंबर वन, और नीचे लिखा है सेकंड केस में लिखा है जनरल रिजर्व इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट, यानी दिखाना है, शो करना है। तो नीचे वाला कौन सा हो गया? केस नंबर टू। तो केस तो आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया मेरे साथ। अब चलते हैं जरा आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पर। बेटा पहले मुझे ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, हिमांशी, याशिका, साहिल, बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं एंट्रीज करने जा रहा हूं, जल्दी से रिस्पॉन्स करें मुझे फटाफट एवरीवन। अब मैं आपको सिखाता हूं सर एंट्री कैसे करते हैं। पहले तो केस आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अब जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, मैं आपको जरा समझाना चाहता हूं एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों एडजस्टमेंट एंट्री करना बड़ा आसान है, एडजस्टमेंट एंट्री करना बहुत आसान है, और वो एंट्री होती है, इसको हम पार्टनरशिप में बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। बेटा पूरी पार्टनरशिप के अंदर ये ब्रह्मास्त्र है, G2S। G2S का मतलब होता है जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र आपको हमेशा काम करेगा, G2S। मैं आपको जरा करके दिखाता हूं एक एक कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं मैं आपके साथ। मैं आपको इसी का क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे असाइनमेंट का 21, लास्ट में लिखा था एडजस्टमेंट एंट्री यानी केस टू, यानी एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये एंट्री होती है। अब मुझे ये पता लगाना है किसे गेन हुआ और किसे सेक्रीफाइस हुआ। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 12th क्लास में एक फॉर्मूला है, पहले मैं पढ़ता हूं। ए बी सी की ओल्ड रेशियो है इक्वली, ये है इनकी ओल्ड रेशियो। बेटा याशिका पार्टिसिपेट करो आप, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ये इनकी रेशियो दे रखी है 3:5, कौन सी रेशियो है? न्यू रेशियो। तो ये इनकी रेशियो है न्यू रेशियो। अब कैसे पता चलेगा किस पार्टनर को गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ? उसके लिए 12th क्लास के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। इससे पता लग जाएगा किसे गेन हुआ है और किसे सेक्रीफाइस। आइए जरा मेरे साथ साथ, ए बी सी,
ओल्ड रेशियो है 1/3। मैं पहले तीनों की ओल्ड रेशियो लिख लेता हूं, अब लिखते हैं न्यू रेशियो। 4 और 5 9 और 3 ये हो गया 12। 4/12 5/2। अब जरा देखते हैं किसे सेक्रीफाइस हुआ किसे गेन हुआ। एलसीएम आया 12, 4 माइनस 3। बेटा क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, क्या होगा, इसे गेन होगा या सेक्रीफाइस, किसी को पता है, जल्दी से बताइए। बेटा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, जल्दी से बताएं ए को क्या हो रहा है, फटाफट ए को क्या हो रहा है। दोस्तों जो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव का मतलब होता है गेन, और जो पॉजिटिव में आता है उसका मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो आपको पता लग गया G2S का मतलब क्या है, आपको मीनिंग समझ आ गया। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इसका मतलब गेन किसे हुआ है, गेन हुआ है सी को। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किसे हुआ है ए को, एस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करना तो हम समझ गए, एंट्री कौन सी है, ये है एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री करना तो अब आप सब बच्चों को समझ आ गया है। सर जब भी केस नंबर टू होगा, जब भी केस नंबर टू होगा तो आपको ये करना पड़ेगा और फिर आएगी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन ये रहा 21, और मैं यहाँ पे आपके साथ बैलेंस शीट बना देता हूं। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 90,000, यानी सर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस दे रखा है, 90,000, और नीचे लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए जरा एक बारी हम देखते हैं ए का शेयर। दोस्तों अब ए का जरा मैं शेयर निकालने जा रहा हूं। 90,000 दे रखा है और ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 1/12। तो जल्दी बताइए कितना आया, आदित्य जैन ने बता दिया ये आया 7500। बस ए का शेयर आ गया 7500। आप चाहें तो आप सी का शेयर भी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 7500। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इस तरह से आपको करना है केस नंबर टू एडजस्टमेंट एंट्री। अब मैं आपको बताता हूं, अब आओ ये तो सर हम सीख गए कि सर केस नंबर टू में कैसे करेंगे, बट एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे सर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे देखो पूछ के बताता हूं आपको खुद समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिससे आपको एकदम केस नंबर टू क्लियर हो जाए। केस नंबर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कौन सा केस है, सेकंड केस है। यहां लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट सर यहाँ दिक्कत क्या है, बेटा दिक्कत समझे यहाँ पे, ये हमने बनाई बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ये वाली साइड होती है क्रेडिट साइड, ये वाली साइड होती है डेबिट साइड। जल्दी से बताओ प्लस वाली साइड कौन सी होती है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों प्लस वाली साइड कौन सी होती है। प्रियादीप का आंसर सबसे पहले आ जाता है, ईशा गुप्ता का आंसर आ जाता है, बेटा हिमांशी याशिका आप बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, युक्ति का आंसर भी आ गया। ये वाली साइड होती है प्लस वाली साइड और ये वाली साइड होती है माइनस साइड। अब देखते हैं जरा
बेटा क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर नीचे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ये लिखा है क्रेडिट साइड 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000, और आप सबको पता है एडवर्टीजमेंट यहाँ आता है, मैंने आप सब बच्चों को नोटिंग भी कराई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना आता है 12,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मगर क्वेश्चन में लिखा है एक एंट्री पास करनी है, वो है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर ये तो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, एंट्री पास करनी है एक, एक एंट्री पास करनी है सिंगल एंट्री, बट वेरिएबल्स हैं दो, मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं, मुझे एंट्री एक पास करनी है बट वेरिएबल हैं दो, तो मैं क्या करता हूं दोनों का नेट आंसर निकाल लेता हूं। आप समझे दोस्तों गलती क्या है, एक एंट्री करनी है वेरिएबल दो है, तो मैं क्या करूंगा नेट आंसर, ये 24,000 क्या है प्लस है, तो प्लस 24,000, 12,000 क्या है माइनस है, माइनस 12,000, तो इससे मेरे पास नेट आंसर आ गया। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है वो क्या है 12,000, और एक ही एंट्री पास करनी है मुझे, खत्म हो गई कहानी। एक बच्चे का डाउट है, जरा एक बार हम डाउट भी देख लेते हैं। वेरी गुड जबनीत, बेटा प्लस माइनस करना है, नेट आंसर आ गया 12,000, बस अब कहानी खत्म। अब तो बस जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, किसी तरह से हमें ये पता लग जाए इनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशो दे रखी है 2:3:5, ये है इनकी न्यू रेशो। बेटा नेट आंसर आपको पता लग चुका है, बस अब आपको एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए जरा जल्दी से देखते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, एक है एक्स एक है वाई एक है जेड। एक्स की क्या थी 5/10, 3/10, 2/10, और जरा न्यू रेशियो देखते हैं 2/10, 3/10, 5/10, 10 LCM, 3, 0, -3। अभी अभी आपको मैंने बताया था माइनस का मतलब होता है गेन और पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस, और हमारी एंट्री क्या थी, हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए जल्दी से जरा एक बार एंट्री करते हैं, गेन किसे हुआ है, गेन हुआ है जेड को, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, एक्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन सी एंट्री है, ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। जरा देखें हमारा नेट आंसर कितना था, नेट आंसर था 12,000। बेटा जरा जेड का शेयर बताएं, जेड का शेयर कितना था, वेरी गुड, जेड का शेयर था 3/10, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3600, तो मैंने यहाँ लिखा 3600 और यहाँ भी कितना लिख दिया 3600। बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आराम से स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ बिकॉज पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा, तो केस नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ आ गया है और अब चलते हैं केस नंबर 1 पर। बस इसके साथ आपकी पार्टनरशिप का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 भी मैं आपको सिखा देता हूँ जरा असाइनमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, केस नंबर 1 तो और भी आसान, ये देखो जरा मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से आपका काम हो जाएगा एकदम आसान। क्रेडिट साइड डेबिट साइड, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहां लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है,
यानी यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कितना दे रखा है 90,000। वेरी गुड, यानी सर ये लॉस है 90,000 है। और नीचे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कौन सा केस है, केस नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैं आपको बताता हूं डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा आसान है, एक मिनट में समझ आ जाएगा। जब भी केस नंबर वन है, डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, ब्रेक लिखा है, जर्नल एंट्रीज लिखा है, तो आपको जर्नल एंट्रीज करना बड़ा आसान है। दोस्तों जर्नल एंट्रीज करने में हमेशा कौन सी रेशियो यूज करोगे, सिर्फ ओल्ड रेशियो यूज करोगे। इसका मतलब अगर आपको न्यू रेशियो दे भी रखी है तो वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। नो नीड टू यूज न्यू रेशियो, ऑलवेज यूज ओल्ड रेशियो। अब एक बात तो समझ आ गई सर, ओल्ड रेशियो। अब मैं आपको दिखाता हूं करना कैसे है। ये देखो ये लिखा हुआ है पी एंड एल अकाउंट, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिर्फ ओल्ड रेशियो बता दो मुझे, ओल्ड रेशियो कितनी है, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड रेशियो, मुझे न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा था पी एंड एल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे आसान सब्जेक्ट अकाउंट्स है, क्यों आसान है, वो कहते हैं इसे खत्म कर दो। दोस्तों पी एंड एल को खत्म करना है, पी एंड एल देखो डेबिट हो रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इस पी एंड एल को मुझे खत्म करना है, ये क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। बस इतना बता दो इसे खत्म करने के लिए, क्या मैं डेबिट करूं या मैं इसका उल्टा करूं, क्रेडिट कर दूं, बस खत्म करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ब्रेक करना, खत्म करना। और अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो आप सब बच्चे समझदार हैं, आप उसको क्या कर देंगे दोस्तों, आप उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करते ही वो खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, तो बहुत आसान है, क्रेडिट कर दिया खत्म, ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा ABC, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन सी रेशियो आती है, हमेशा ओल्ड रेशियो, क्या है, 1, 2, 3। तो 6 से डिवाइड किया तो आ गया 15,000, 15,000, 30,000 और 45,000। मैं आपको एक और कराता हूं डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, आपको एकदम दोनों केसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बैलेंस शीट ये लीजिए, पहले तो मैंने यहां लिख दिया क्रेडिट साइड और यहां लिख दिया डेबिट साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, 24 में लिखा है दो पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो रेशो दे रखी है दोस्तों 3:2। इसका मतलब ये बात भी क्लियर हो गई कि सर दो पार्टनर्स हैं ए और बी और उनकी रेशो है 3:2, कौन सी रेशो हो गई, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है, यानी कौन सा केस है, केस नंबर वन। ऑन दैट डेट क्रेडिट बैलेंस 70,000 इन पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पी एंड एल का। आपको पता होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 70,000 और वो आपको बोल रहे हैं खत्म कर दो। बेटा जल्दी बताओ, क्रेडिट साइड में लिखा है, कह रहे हैं खत्म कर दो, खत्म करने के लिए क्या करूं, आपको क्या लगता है, क्रेडिट कर दूं, दोबारा से क्रेडिट कर दूं। सो आंसर इज नो, खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोस्तों डेबिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, बस खत्म। ये लो सर मैंने खत्म कर दिया। बस नीचे कौन आते हैं, नीचे हमेशा पार्टनर्स आते हैं ओल्ड वाले,
कौन कौन पार्टनर है एस कैपिटल अकाउंट। बेटा मैंने आज बहुत आपको डिटेल में और बहुत स्लो पढ़ाया है, मुझे लगता है अगर इसमें भी आपको नहीं समझ आ रहा तो दोस्तों फिर आपको ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा स्लो में करा नहीं सकता। 3:2 जरा डिवाइड करें कितना आता है, बेटा मेरी हेल्प करो, 5 से डिवाइड करेंगे कितना कितना आ रहा है। वेरी गुड, 28,000 और 42,000। प्रिया देवी, वेरी गुड। ईशा गुप्ता का आंसर भी आ गया। खत्म, तो खत्म करना सर, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है खत्म करना। लो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, खत्म करना। बेटा हिंदी थोड़ी सी वीक है, थोड़ा हाइट हार्ट टाइट है हिंदी में, बट कोशिश पूरी है। खत्म करना, खत्म करना बड़ा आसान होता है, उल्टा कर दो। तो इस तरह से हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। आपको समझ आना चाहिए सर पेपर में केस 1 और केस नंबर 2 हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा किसी भी बच्चे को डाउट्स हैं, मुझे पता है आप सबका आंसर आएगा सर नो डाउट्स। अभी सब नो डाउट बोलते हैं, जब ऑफलाइन क्लास में आते हैं फिर कहते हैं सर समझ ही नहीं आया कुछ। ये कैसी मोह माया है, समझ नहीं आया कुछ। आओ फिर इसी बात पे कुछ क्वेश्चंस आप सब बच्चे ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। बेटा बुक ओपन कर लें और ये क्वेश्चंस आपने अभी ट्राई करने हैं मेरे साथ साथ। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हूं, पेज नंबर है 4.40। तो मैं इसको जरा जूम कर देता हूं। पहले आपने मुझे बताना है क्वेश्चन पढ़कर कि सर ये फर्स्ट केस है या ये सेकंड केस है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। नित्या एंड आनंद, उनकी रेशो है 3:2। वेरी गुड, प्रिया ने बता भी दिया। विद इफेक्ट फ्रॉम दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये न्यू रेशो है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है। आगे लिखा है जर्नल एंट्री पास करनी है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखो डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है। केस नंबर 1, वेरी गुड हिमांश, केस नंबर 1 कौन सी रेशो में बांटोगे? ऑलवेज रिमेम्बर ओल्ड रेशो। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहां लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस और नीचे लिखा है पास जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री का मतलब भी केस नंबर 1, कौन सी रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने चाहिए। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको करना है होमवर्क में और क्वेश्चन नंबर आपको 17 भी करना है दोस्तों होमवर्क। जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है, जर्नल एंट्रीज यानी केस नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।